हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। यदि आपने स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप हमें हमारे फेसबुक से या इंस्टाग्राम से हमें देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। तो आज का सेशन अपना स्टेनो का रहेगा और स्टेनो के सेशन में आज अपन हैं जो क्या सीखने वाले हैं, लय आंकड़े से क्या बनाएंगे। आज लय के आंकड़े की मैं आपको आउटलाइन बनाना सिखाऊंगी। मैंने पहले वाली वीडियो में स का, र का, लय का और तय का सारे आंकड़े बता दिए हैं, बनवा दिए हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के पहले वीडियो देखिए, फिर आपको ये आज वाली जो सेशन है आराम से अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ल के आंकड़े की आउटलाइन की अल्फाबेट है जो कहे गए हैं उनके साथ ल को कैसे बनाया जाएगा। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है कि ल को कैसे बनाया जाएगा। देखिए ल का जो आंकड़ा है, ल का जो आंकड़ा है वो र के आंकड़े का उल्टा है। ल का आंकड़ा है वो र के आंकड़े का उल्टा है। उल्टा कैसे है देखिए, र कैसे लिखते आ रहे थे अपन, कर ऐसे लिखते आ रहे थे, है ना, ऐसे ये चीज जो थी वो नीचे की तरफ थी। तो अभी ल का देखिए, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ल का बन जाएगा और ल इस तरह से बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, कल। र की तरह ही इसके अंदर भी, ल के अंदर भी यही होगा कि हिंदी के अंदर तो बाद में लिखा जाता है ल, परंतु स्टेनो के अंदर ल क्या होगा, पहले लिखा जाएगा। ल क्या होगा, लिखा पहले जाएगा, पढ़ा बाद में जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये अपना क्या बन जाएगा, कल, कल बन गया। ऐसे ही क्या बन जाएगा, खल बन गया और ये गल, गल। इस चीज को ध्यान रखना है, ये जो कुंडी है, ये जो मैंने बनाई है, इसको आपने इस तरह से इस शेप में बनाना है, इस शेप में बनाना है। आपने विशेष ध्यान रखना है इस चीज का, ये इसके साथ टच नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए और ज्यादा इस तरह से खुली भी नहीं बनानी है, इस तरह से खुली भी नहीं बनानी है। अगर इस तरह से बना दोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत बन जाएगा। ये देखिए घल कैसे लिखे जाएगा, ये ऐसे और ये कट लग गया। अडल क्या लिखा जाएगा, ये ऐसे ऐसे लिखा जाए। अब आप कह दोगे कि मैडम न का जो आपने इस अड़ के साथ र का आंकड़ा लगाया था वो भी सेम लगाया है और ल का भी सेम लगाया है, तो इन वक्र आकृति वाले जो ये वक्र आकृति वाले हैं उनके साथ क्या होगा, ये जो ल का आंकड़ा है, जो ये वक्र आकृति वाले जो होंगे, जो न है, मैं है और तय वाली लाइन है और एक ये लय वाले हैं, इनके, इनको वक्र आकृति बोलते हैं। वक्र आकृति वाली जो लाइनें हैं इनके साथ क्या होगा, जो र का आंकड़ा लगाया है, र का आंकड़ा जो लगाया है सेम उसी की तरह लगाना है, परंतु देखिए क्या डिफरेंस रखेंगे। अगर मैं लिखती हूँ डर, डर लिखती हूँ तो मैंने क्या बना देना है, इस तरह से मैंने इसको छोटा बनाना है, ठीक है, तो ये र का हो जाएगा। और अगर मैंने इसको डल बनाना है, अडल बनाना है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, ये देखिए इतना बना, आधे से ज्यादा अपन इसको कवर कर लेंगे न को, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ल का आंकड़ा है, ठीक है। बाकी किसी में दिक्कत नहीं आएगी, जो वक्राकृति वाले हैं उसी में ल और र में थोड़ा सा आपको डिफरेंस रखना है, बाकी में किसी में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब चल देखिए कैसे लिखना है, इधर से इस हाथ को चल ऐसे बनाना है, चल, छल भी ऐसे बन जाएगा, ये छल, छल ऐसे बनेगा, ठीक है, छल, जल, जल ऐसे बनेगा, जल, जल, और झल कैसे बनेगा, ये मैं डबल डबल बना रही हूँ, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। झल, नल में वही वाली बात होगी कि क्या होगा, इसको नए को है थोड़ा सा क्या काट देंगे, ज्यादा काट दें, थोड़ा सा ज्यादा काट, आधे तक काट के रखेंगे, आधे तक कवर कर लेंगे तो ये बन जाएगा। टल को देखिए कैसे बनेगा, ये देखिए टल, इस तरह से टल, टल, ठल, ठल, अगर मैं इधर भी लगा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये तो इनके कट है, इधर लगा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, इधर लगा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपने दोनों तरफ से बना सकते हो, बस आपके हाथ को इजी लगना चाहिए, ठीक है। ये क्या बन गया, डल, ये क्या बन गया, ढल, ये देखिए दोनों तरह लिख सकते हो। और वही वाली बात है कि इसको मैं इसे आधे से ज्यादा काट रही हूँ, तो ये क्या बन गया, नय बन गया, नल बन गया, ठीक है।
तल देखिए कैसे बनाएंगे, ये देखिए आधे से ज्यादा। अगर मैं इसको इतना सा काटू थोड़ा सा, तो ये क्या बन गया, तर बन गया। और मैं ज्यादा काट रही हूं, बस इसमें और इसमें यही फर्क रखना है आपने, लय में और रे में, इन दोनों में आपने यही फर्क रखना है कि अगर रे का बना रहे हो तो इस चीज को थोड़ा मोड़ना है, और अगर लय का बना रहे हो तो इस चीज को थोड़ा अंदर की ओर ज्यादा मोड़ना है। बस इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। हाँ जी, थल भी सेम बन जाएगा, ये कट लग गया और ये थल बन गया। दल भी देखिए इस तरह से, थल भी, थल और नल क्या बन जाएगा, इस तरह से नल बन जाएगा। पल देखिए, पल कैसे बनेगा, पल पल पल। आप इसकी इस तरह से खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि स्टेनो प्रैक्टिस ही मांगती है। आप इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो आपके हाथों को ये सारे आंकड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मल ऐसे बन जाएगा, ये देखिए मल। अब रह गए अपने यन, ये रे ल व और है, इनके साथ लय का आंकड़ा नहीं आएगा, इन पांचों के साथ लय का आंकड़ा नहीं आएगा, तो इनको कैसे लिखेंगे। इनके साथ अगर लय आ जाता है, ये रे ल व और है के बाद अगर लय आ जाता है, तो लय को पूरा लिखेंगे, आंकड़ा नहीं आएगा। ले बनाइए, ये ल बन गया, र ये लय बन गया, ठीक है, और ये ल ये लय बन गया, और ये वल बन गया, व ल, और ये ह और ये लो लय बन गया। हाँ, स के साथ आ जाए, तो अब आप वही वाली बात है कि मैडम स का भी आंकड़ा है और लय का भी आंकड़ा है, कैसे बनाएं। तो आज अपन किसका सीख रहे हैं, आज अपन लय का आंकड़ा सीख रहे हैं, तो मैं स के साथ लय का आंकड़ा बना रही हूँ, स को अपन पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो स को अगर पूरा लिखते हैं तो ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। इतने ये लाइन के ऊपर झुके हुए होते हैं, इसीलिए मैंने इतने झुके हुए बनाए हैं, तो ये क्या बन गया, सल बन गया। तो ये क्या बन गए, सल बन गए। तो ये थी लय के आंकड़े की आउटलाइन। हर एक अल्फाबेट के साथ मैंने आपको लय बनाना सिखाया है कि लय की जो आउटलाइन है वो कैसे बनती है स्टेनो के अंदर हर अल्फाबेट के साथ। आप भी इसकी बार बार कोशिश कीजिए। अगर आपको ये आउटलाइन लय के आंकड़े की हर अल्फाबेट के साथ आराम से बनानी आ गई, तो आप आगे इससे रिलेटेड जो शब्द हैं लय के आंकड़े को लगाते हैं, वो भी आप आराम से इजी से बना लेंगे। आप कम से कम इसकी 5-6 बार प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरह इसको बनाइए बार बार। पहले इसकी हिंदी लिख के फिर इसकी स्टेनो बनाइए, और स्टेनो बनाने के बाद फिर उसकी हिंदी कीजिए। इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे आंकड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे और अच्छे से याद भी हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इनसे रिलेटेड शब्द बनवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।